वज़ीर-ए-आज़म दो रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुँच गए। अंकारा एयरपोर्ट पर तुर्क वजारत खारजा के आला हुकाम पाकिस्तानी सफारतखाने के अमले ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर तुर्की पहुँचे, सदर की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। करप्शन के मुकदमात परवेज इलाही को आज गुजरांवाला की अदालत में पेश किया जाएगा। सदर पीटीआई को लाहौर से गुजरांवाला मुंतकिल किया गया था। परवेज इलाही के खिलाफ अरबों की करप्शन के दो मुकदमात दर्ज हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर की मकामी अदालत ने डिस्चार्ज किया, पुलिस ने दोबारा धर लिया। आशियाना इकबाल रेफरेंस वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज साजिद अली यावान मुकदमा सुनेंगे। शहबाज शरीफ और दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल हो चुके। शरीक मुलजिमान की बरियत की दरख्वास्त पर वकला हतमी बहस मुकम्मल करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रहायश गाह पर मुलाकात। मुल्की सियासत और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासी रंजिश को जाती रंजिश मत बनाएं। पाकिस्तान है तो सब है, सियासत बाद में होती रहेगी। आवाम को बहबूद का सोचें, महंगाई कम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सही डगर पर लेके जाए जी, और अल्लाह ताला उसी डगर पर लाए जिसपे 2017 में पाकिस्तान था। 2017 का पाकिस्तान एक बहुत अच्छा पाकिस्तान था। पाकिस्तान को दुरुस्त सिम्त में लेकर जाएंगे। 2017 का पाकिस्तान बहुत अच्छा पाकिस्तान था। कोशिश है मुल्क 2017 की डगर पर वापस ले जाएं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ से साबिक मेयर मुबशर जावेद, निहाल हाशमी और तुफैल जट भी मिले। सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। और 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़ियात, रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले का दूसरा मरकजी मुलज़िम 410 से गिरफ्तार। मुलज़िम ने जलाओ घेराव के अलावा रेडियो पाकिस्तान से लूट मार भी की थी। टेप रिकॉर्डर और माइक्रोफोन बरामद।